नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 7। सबसे पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, और सिंपल इंटरेस्ट तो आप पूरा ही देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। सिंपल इंटरेस्ट को देखने के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, क्योंकि बहुत सारी जो कंपाउंड इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो सिंपल इंटरेस्ट से को रिलेटेड हैं। यदि आप सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत सारी चीज़ें समझ में तुरंत आ जाएंगी। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपया में 2 वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। कह रहा है कि कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपया 2 वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, दर। और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आपको मूलधन 800 रुपया और मिश्रधन 882 रुपया, और समय दिया है 2 वर्ष। समय दिया है 2 वर्ष। तो अब देखिए इसको किस तरह निकालना है। हम जानते हैं कि यदि हम मूलधन में प्रतिशत दर का होल वैल्यू को सीधा अगर गुना कर देंगे उतनी बार जितना बार समय दिया हुआ है, तो हमको मिश्रधन पता चल जाएगा। यही बात है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं बस आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 800 रुपया आपका मूलधन है, 800 रुपया मूलधन है, और उसमें दर प्रतिशत का चक्रवृद्धि ब्याज में आपको होल वैल्यू निकालना होता है। तो दर प्रतिशत का आप निकाल लीजिए, यानी आर प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं, आर बट्टा में 100, यानी प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। अब इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो अगर ये बट्टा में 100 दिया हुआ है तो इसको जोड़ देंगे ऊपर, 100 को ऊपर ले जाके जोड़ देंगे तो आर प्लस 100 बट्टा में 100 हो जाएगा। यही ना हो गया होल वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये होल वैल्यू। अब इस होल वैल्यू को सीधा आपको गुना करना है, तो सीधा गुना करने का मतलब क्या है, क्योंकि आपको मिश्रधन निकालना है तो मूलधन में आप गुना कर दीजिए, और यहाँ समय आपको 2 बरस दिया हुआ है तो इस पर 2 चढ़ा दिए, और इस तरह से आपको 882 रुपया यानी बैलेंस हो गया। तो अब यहाँ से सीधे कटा दीजिए, 400 से 800 कट गया, 400 दूनी 800, यहाँ 441 दूनी 882, और इस 400 को आप गुना में है तो भागा में ले आइए, तो इधर 441 बट्टा 400 हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर है, अगर इसको इधर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और रूट को यदि आप बैलेंस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 441 का 21 का स्क्वायर होता है, और जो 400 होता है वो 20 का स्क्वायर होता है, तो 21 बट्टा 20 हो जाएगा। अब इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा, इधर आपको 20 से 100 कट गया 5 बार में, तो अब इसको 5 से 21 में गुना कर दीजिए तो 105 आ गया, और आपको आर प्लस 100 है तो इस 100 को इधर ले आइए, माइनस में आ जाएगा, तो 105 में 100 को घटा दीजिएगा तो 5%, यानी रेट आपका आ गया 5%। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हर चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने बरस में 2420 रुपया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको कह रहा है कि 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न में आपको मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ रहेगा, और दर दिया हुआ है तो समय पूछेगा, समय दिया हुआ रहे तो दर पूछेगा। तो यहाँ पे आपको दर दिया हुआ है, समय पूछ रहा है, तो हमको आपको 2000 रुपया लिख दिए यहाँ पे, और आपको दर दिया हुआ है 10%। तो 10% का होल वैल्यू निकाल दीजिए, तो 10% मतलब बट्टा में 100, तो यहाँ से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 10, और इसको आप 1 बट्टा 10 में 1 जोड़ दीजिए तो 11 बट्टा 10, यानी कहने का मतलब है कि यदि आप मूलधन में होल वैल्यू को सीधा गुना कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा मिश्रधन। तो मूलधन आपका 2000 रुपया है और होल वैल्यू आपका 11 बट्टा 10 है, तो 11 बट्टा 10, और उतना बार गुना करना है जितना समय दिया हुआ है, तो समय उतना बार गुना करना है जितना समय दिया हुआ है, तो समय तो यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हम पावर में टी कर दिए, अगर यहाँ 2 दिया हुआ रहता तो 11 बट्टा 10 × 11 बट्टा 10 होता, लेकिन यहाँ पे कोई समय नहीं है, अगर 3 दिया रहता तो 3 बार करते, लेकिन समय नहीं दिया है तो पावर में टी चढ़ा दिए, और उसके बाद आप मिश्रधन लिख दिए 2420 रुपया। अब यहाँ 2000 जो यहाँ गुना में है इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2420 बट्टा 2000, तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया तो यानी 242 बट्टा आपको आ गया 200, तो ये 200 कट गया, 100 दूनी 200, 242 कट गया, 121 दूनी 242, तो इस तरह से आपको 121 11 का स्क्वायर है और 100 आपको 10 का स्क्वायर है, तो यानी कि
अगर हम जानते हैं कि दोनों तरफ का अगर बेस समान होता है तो कैंसिल हो जाता है। देखिए इधर का बेस 11/10 और इधर का बेस भी 11/10 है, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो टी का मान आ गया 2 बरस, यानी समय आपका 2 बरस आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका दिया हुआ है कि किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 बरस के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपया तथा 954 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 बरस का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है क्रमशः, आपको 900 रुपया और 954 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए अगर एक ही समय के लिए अगर आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मान दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले हम रेट निकालेंगे, ठीक। एक ही समय के लिए यदि आपके पास क्वेश्चन में यदि आपको दिया हुआ है साधारण ब्याज का मान और चक्रवृद्धि ब्याज का मान एक ही समान समय के लिए, तो आपको सबसे पहले रेट निकालना चाहिए। तो समान समय के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मान, तो साधारण ब्याज 900 है, चक्रवृद्धि ब्याज 954 है, तो रेट का फॉर्मूला हो जाएगा CI-SI/½ गुने SI × 100। मैंने आपको पहले बताया है इंट्रोडक्शन क्लास में, जगह देख लेंगे। उसके बाद आपको CI 954 और SI 900 है, यहाँ पे SI आपको 1½ × 900 और गुना 100 हो गया, तो 954 में 900 को घटाइएगा तो आपको 54 बचा। और यहाँ पे आपको ये 2 जीरो से पूरा 100 कटा दीजिए तो यहाँ पे आपको बच गया 9/2, यानी कि 54 गुने, इसको आप भागा में है तो उलट के लिखिएगा तो गुना में चला जाएगा, 2/9 हो गया, तो 9 से 54 कटा दीजिए, 6 9 6 54, तो 6 2 12, यानी 12% आपका रेट आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू होता है R × T। तो R आपका कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 12%, और T कितना दिया हुआ है, T दिया हुआ है आपको 2 बरस, तो इसको गुना कर दीजिए दोनों को, तो कितना आ जाएगा आपका प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ब्याज आ गया आपको 24%, प्रतिशत ब्याज आ गया आपको 24%, और उतना के बराबर आपको दिया हुआ है ब्याज 900 रुपया, यानी 24% के बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 900 रुपया दिया हुआ है। तो आपको मूलधन निकालना है, धनराशि निकालना है, तो 100% का मान निकाल दीजिए। 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान आपको हो जाएगा 900/24 × 100, यही ना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको धनराशि मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 80,000 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बरस में 88,200 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 80,000 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बरस में 88,200 रुपया हो जाएगा, यानी मूलधन दिया है आपका 80,000 रुपया, अब मिश्रधन दिया है 88,200 रुपया, और आपको टाइम दिया है 2 बरस, तो पूछ रहा है दर। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ रहेगा, और अगर समय दिया हुआ रहेगा तो दर पूछेगा, और दर दिया हुआ रहेगा तो समय पूछेगा, तो यहाँ पे आपको समय दिया हुआ है, दर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब मूलधन में हम होल वैल्यू यानी जो प्रतिशत दर है, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में हम दर प्रतिशत का होल वैल्यू निकालते हैं ना, तो दर प्रतिशत के होल वैल्यू से सीधा गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, मिश्रधन। तो यहाँ मूलधन में सीधा गुना हमको करना है दर प्रतिशत के होल वैल्यू का, तो दर प्रतिशत का होल वैल्यू कैसे निकलेगा, आर प्रतिशत मतलब R/100, तो यानी कि 100 को ऊपर जोड़ दीजिएगा आर के साथ, तो R+100/100, यानी होल वैल्यू आपको आ गया R+100/100, तो इसका सीधा गुना कीजिए मूलधन के साथ, तो मूलधन के साथ सीधा गुना कर दिया यानी R+100/100, और इसमें समय दिया हुआ है 2 बरस, तो पावर चढ़ा दिए 2 बरस, क्योंकि हम 2 बार गुना करेंगे तो इसलिए 2 का पावर चढ़ा दिए, और इसके बाद मिश्रधन आपका आ गया 88,200 रुपया। अब इसका 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिया, यानी 82,200 रुपया में से 2 जीरो से कटा दिए, 80,200 का 2 जीरो कटा दिए, दोनों का कट गया, तो अब ई जो आपको गुना में है तो इधर ले आइएगा तो भागा में आ जाएगा, तो यानी 882/800, तो कटा दीजिए, ई 441 से कट जाएगा 2 मर्त में, और 400 से कट जाएगा 802 मर्त में, तो इधर आपको स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा इधर, तो आपको 21 का स्क्वायर हो सॉरी 441 जो होता है 21 का स्क्वायर होता है, यानी 441 का वर्गमूल निकालिएगा तो 21 होगा, और 400 का वर्गमूल निकालिएगा तो 20 होगा, तो यहाँ से आपको 20 से 100 कटा दीजिए 5 बार में, 20 25 100, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 5 को 20 से गुना 21 से गुना कर दीजिए, 1 को कर दीजिए
आर प्लस 100 से। तो 5 को 21 से गुना कीजिएगा तो 105 आ गया, और 1 से गुना कीजिएगा आर प्लस 100 में तो आर प्लस 21 होना रहेगा। तो इसके बाद ये प्लस में 100 है तो इधर ले आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 105 में से आप 100 को घटा दीजिए तो आपको आ गया 5%, यानी रेट आपका आ गया 5%। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित 2 बरस के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 बरस के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिश्रधन के बारे में क्या दिया है, मिश्रधन के बारे में दिया है कि मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है मिश्रधन। तो मिश्रधन तो हमको पता चल ही गया कि 2.25 गुने 10 मूलधन हो जाएगा। तो इस तरह से हमको पता है कि मूलधन में यदि हम 10% का होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो हमको मिश्रधन प्राप्त होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में हमेशा 10% का होल वैल्यू निकालते हैं, और उसका सीधा गुना यदि मूलधन से कीजिएगा तो आपको मिश्रधन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मूलधन है, अब मूलधन में सीधा गुना 10% का हमने किया है, तो सीधा गुना अगर आप करेंगे तो हो जाएगा आर प्लस 100/100 का हो, समय यहाँ दिया हुआ है 2 बरस, तो होल यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, यानी 2 बार गुना करना है आपको 10% का मूलधन के साथ। तो इस तरह से आपको मिश्रधन प्राप्त हो गया। अब देखिए, यहाँ जो पी है इससे अगर हम पी कटा देंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको 2.25 है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 2 2 2 को 0 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, यानी 225/100। तो इस तरह से 225 का, या इधर जो स्क्वायर है इसको इधर ले आएंगे तो रूट चढ़ जाएगा इधर, तो यानी 225 का आपको वर्गमूल कितना होगा 15, और 100 का वर्गमूल कितना होगा 100, यानी आपको ये 100 में से 1 0 कटा देंगे और इधर 10 का 1 0 कटा देंगे। तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 1 का इधर कर दीजिए और 10 का इधर कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन। तो 1 का करिएगा तो आर प्लस 100, और 10 का कीजिएगा 15 में तो 150, यानी कि आर प्लस 100 बराबर 150। तो 100 को इधर ले आइए तो आपको 100 घट जाएगा 150 में, यानी माइनस में आ जाएगा ना 100, तो 150 में आपको 100 घटा देने पर आ जाएगा 50% रेट, यानी आपका रेट हो गया 50%। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बरस के किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज 1,025 रुपया होता है, तो उसी राशि पर उसी दर से एवं उतने ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बरस में किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज होता है 1,025 रुपया। कह रहा है कि तो उसी राशि पर उसी दर से एवं उतने ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको देखिए प्रश्न तो यही है आपका कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बरस में किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज 1,025 रुपया होता है, तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि यदि आपको दर दिया हुआ, प्रतिशत दर दिया हुआ है यदि 5%, तो हमको प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए क्या करना होता है, रेट इंटू टाइम। तो रेट आपको दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 2 बरस, तो अगर दोनों को गुना कर दीजिएगा तो प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। तो प्रतिशत ब्याज आपको कितना हो गया, 5 × 10, यानी 10% आपको ब्याज हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 वर्षों में किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको 1,025 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज है 1,025 रुपया, यानी CI आपको है 1,025 रुपया। अब देखिए, अब कह रहा है कि तो उसी राशि पर, यानी कि जो 1,025 है उस राशि पर उसी दर से और उतने ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, अब इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, तो हमको पता है कि प्रतिशत ब्याज आपको 10% है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत निकालने के लिए हम करेंगे SI प्लस आर स्क्वायर। तो ऐसा आर स्क्वायर, यानी हमको रेट दिया हुआ है तो रेट का हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 5 25, और 2 अंक के बाद दशमलव,
तो यहाँ देखिए हमने दशमलव 25 के बाद दशमलव यहाँ दे दिया। अब इसके बाद SI का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू टी। तो R आपको है 5%, और T आपको है 2। हाँ T आपको है 2, तो 5 × 10 यानी 10.25% आपको चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में है और रुपया में आपको 125 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया ना। तो 10.25% बराबर 1025। तो यानी आपको अब निकालना है कि उतना ही ब्याज पर, यानी कि आपको 10% जो आपको ब्याज आया है उतना ही ब्याज पर कितना होगा। तो यानी कहने का मेरा अर्थ है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह हमेशा साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है, यानी साधारण ब्याज का मान हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 10%, यानी इस 10% पे हमको ये मान निकालना है। अगर 100% पे निकाल दीजिएगा तो मूलधन निकल जाएगा, और 10% पे निकाल दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा कि साधारण ब्याज क्या था। तो यहाँ पे देखिए 10% निकालिए, तो 10.25/10.25×10, उसके बाद 10.25 आई 2 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर जाएगा, तो 100 यानी गुना 100×10/10.25 से 10.25 कैंसिल, 100 से आप गुना कर दीजिए 10 को, आपको 1000 रुपया साधारण ब्याज निकल गया। तो बात समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आ गया तो अब यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। और ये लास्ट वीडियो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, और इसके बावजूद भी आपका कंटिन्यू रहेगा। यदि मेरे पास क्वेश्चन आता है चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कंपटीशन में किसी भी एग्ज़ाम में, तो मैं उसको ज़रूर डालूँगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद पड़ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक मैथ को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इससे लाभ पहुँच सके। और तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।